है माउंट चैट्यू लेक ल्यूज। अब मैं होटल से तो आ गया हूँ जी बाहर, और मैं ये राउंड लूंगा पैदल ही आगे जितना मैं जा सकता हूँ इसको एनवायरनमेंट को कैप्चर करने के लिए। ये सामने है जी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द अर्थ लेक लुइस कनाडा में, और ये इस टाइम पूरी तरह फ्रीज हो चुकी है और सामने आइस हॉकी और स्केटिंग हो रही है। और ये जो पहाड़ी के पीछे पे सनलाइट नजर आ रही है, यहाँ जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है तो जस्ट प्योर हेवन। द आइस बार इज नाउ ओपन, और ये अंदर जाके बनाई हुई है जी ये आइस बार, तो देखते हैं कैसे लगता है। तो ये मजेदार चीज है, लोग गर्मा गर्म कॉफी भी पी रहे हैं और साथ में पार्क के मजे भी ले रहे हैं। द बैम्फ कनाडा, ये फोटो वाले ने बनाई हुई है जी। हाँ, ये बर्फ को जैसे बाहर में पहले दिखाया था ऐसे ही बनाया हुआ है ये। ये बर्फ का बनाया हुआ है जी। ये एक बाहर था और एक ये अंदर है। अरे वाह, पूरी तरह से ये बर्फ का हार्ड है पूरा। ओहो अच्छा है, यहाँ काफी सेल भी हो रही है। मेरे तो फैमिली वाले पीछे बैठे हुए हैं जी, तो मैं इसको नहीं करूंगा। ये है जी लोहड़ी बाली जा रही है लेक लुइस में, मजाक कर रहा हूँ। ये क्रिसमस का दिन है और सर्दी बहुत ज्यादा, तो ये होटल वालों ने अपने गेस्ट के लिए ये प्रोपेन गैस चला के ये हीटिंग का अरेंजमेंट किया होता है ओपन में, और गर्म हो गया पूरी तरह, ठंड नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर। तो ये होटल के साथ बाहर ही लगाया हुआ जी इन्होंने। ये आइस पार्क बनाया हुआ है जी, और साथ में ये जो खाने पीने का भी व्यवस्था की हुई है ऑन पेमेंट बेसिस ऑफ कोर्स, फ्री में जिंदगी में कुछ नहीं मिलता कहीं पे भी। तो ये बच्चे खेल रहे हैं बर्फ में, कितनी कितनी बर्फ है। ओए होए होए, ये मेरी हो रही है जी वॉक कनाडा में नॉर्थ पोल के नजदीक और फाइव स्टार होटल के भी पास में। तो ये मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ। ये मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता जी, और मैं इस फ्रोजन लेक के सामने के जो वॉक है उसे ही मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और मैक्सिमम मेरे जो आपने फोटो देखे ड्राइव करते हुए देखी होंगी बर्फ की, तो ये मैं वॉक करते हुए दिखला रहा हूं। ये जो आवाज आ रही है ना जी, ये मेरे पैर जो चल रहा हूं तो बर्फ के साथ जो है उसकी आवाज है ये। मजे आ गए, ये भी नजारे हैं। गोइंग इन टू बियर कंट्री, अरे यार ये स्लिपरी है यार थोड़ा सा। कैसा लग रहा है आपको, मजे आ रहे हैं। चलो चलते हैं वापस, ये सब लोग स्केटिंग वगैरह करके आ रहे हैं जी वापस, या शायद जा भी रहे हैं मुझे पता नहीं। आ रहे हैं जा रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग यहाँ मजे लेने आते हैं, जिंदगी की खूब ऐश करते हैं ये। ये देखो जी बंदे की किस्मत,
प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी भाई ने अपना अपना मकान बनाया हुआ है जी लेक व्यू के बिल्कुल सामने और पहाड़ों के बीच में और लेक के साथ में ये नज़ारे हैं। और ये है ना मजेदार। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक लुइस का ट्रिप खत्म हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चारों एपिसोड एंड तक देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।